पुनर्नवा महिला समिति को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद बोलती हूँ, और मैं दीप्ति जुफाल जो मैं कुंभकर्ण का रोल निभा रही हूँ महिला रामलीला में, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों तक ये सुझाव दे सकें कि देखिए कि कलयुग में भी, आज के समय में भी हम लोग महिलाएँ किसी से भी कम नहीं हैं, वो कुछ भी कार्य कर सकती हैं, और जिसमें बढ़ चढ़ के सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया है, और सभी महिलाएं बहुत जोश के साथ बहुत अच्छे से अपने किरदार को निभा रही हैं। नमस्कार, मैं गीता धर्माल रावण के रोल में हूं अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ये पहली बार ये मौका मिल रहा है रामलीला के मंच पर आने का। हम लोग ये पुनर्वा जो समिति जिन्होंने बना रखी है, पहले तो महिलाओं की उनकी शादियाँ करते थे, पर लेकिन आज वो ये इनमें काम कर रखा है रामलीला का जो आयोजन किया है, बहुत बढ़िया है। हम लोग घरों से निकले हैं और 10 दिन तक इस रामलीला के मंच को अपना टाइम दे रहे हैं और इसको अच्छी तरह से निभाए हैं, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। अच्छा लग रहा है। दरअसल ये मंचन करीब करीब 1.5 महीने से चल रहा है, और उससे पहले यहाँ पर ना पहले ऑडिशंस हुए थे, सारे किरदारों के ऑडिशंस हुए थे, तो हमने ऑडिशंस दिए थे पहले, तो उसके बाद ही हमारा जो है किरदार ऑडिशंस के थ्रू यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि किसे क्या बनना है। और बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार हमारे एक नया अनुभव मिल रहा है, और श्री प्रभु राम के किरदार में उसको मैं कर पाऊँ बहुत अच्छी तरीके से, वही कोशिश जारी है। और आशा है कि सभी लोगों को ये जो रामलीला है महिलाओं की, वो पसंद आए और वो उसे सराहें। तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, तो इसमें हम लोगों को सौभाग्य मिला है सहयोग करने का। हम लोग जितना हो सकता है सहयोग कर रहे हैं। मैं शिव के रूप में यहाँ पे प्रस्तुति दे रही हूँ, और मेरा नाम कुसुम दिगारी है। मैं यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ, और मैं पुनर्वा महिला समिति की सदस्य भी हूँ। मेरा नाम कुसुम बोरा है। कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि पहली बार यहाँ पर महिला रामलीला मंचन हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसे रामलीला का, महिला की रामलीला दुर्गो माँ में आज पहली बार हो रही है ऐसे, तो ऐसा मौका हमको बड़े सौभाग्य से मिला। मैं हिमिता तिवारी नारद का किरदार कर रही हूँ, मतलब इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, एक्चुअली स्कूल का भी टाइम रहता था तो, और उसके बाद फिर नहीं हो पाता टाइम, पर अब जैसा भी हो रहा है बहुत ही आनंद आ रहा है, आगे भी आएगा।